गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आई एम डॉक्टर कल्पना लखेड़ा। आज हम PAED 102 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माल एडजस्टमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात कुसमायोजन एवं अंतर्द्वंद नामक यूनिट का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट इज अ स्लाइट चेंज मेड टू समथिंग टू मेक इट फिट वर्क बेटर और बी मोर सुटेबल। एडजस्टमेंट रेफर्स टू बिहेवियर प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कंफ्लिक्टिंग नीड्स और नीड्स चैलेंज्ड बाय ऑब्स्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रेगुलरली एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय देयर फिजियोलॉजिकल स्टेट टू सीक फूड दे ईट टू रिड्यूस देयर हंगर एंड दस एडजस्टेड टू द हंगर स्टिमुलस। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स अकर्स व्हेन देयर इज an inability to make a normal adjustment to some need or stress in the environment. समायोजन शब्द को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई तरह से परिभाषित किया गया है। एलएस सेफर के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। वोन हेलर के अनुसार हम समायोजन शब्द को अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवंत रखने के लिए वैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं जैसे कि जीवशास्त्री अनुकूलन शब्द का प्रयोग किसी जीव को शारीरिक या भौतिक दृष्टि से जीवित रखने के लिए करते हैं। समायोजन एक प्रक्रिया है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सुखी एवं संतोषप्रद जीवन यापन की राह पकड़ी जा सकती है। समायोजन के द्वारा एक ओर तो हम अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर समायोजन हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य भी देता है कि हम परिस्थितियों को ही बदल डालें। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया या क्षमता का भाव है जो व्यक्ति को उसकी अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के संदर्भ में अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे प्रगति के मार्ग में ले जाने में सहायता करती है। व्यक्ति के जीवन में यह प्रक्रिया कभी रुकने का नाम नहीं लेती क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं और परिवर्तनों के साथ ही साथ समायोजन की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। इसी बदलाव और अनुकूलन क्षमता में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसकी प्रगति संतुष्टि एवं खुशी का दारोमदार होता है। अब हम देखते हैं कि एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। फर्स्ट है फिजिकली एडजस्टेड। समायोजित व्यक्ति शारीरिक रूप से भी अच्छे से समायोजित होते हैं। उनका शारीरिक विकास भार ऊंचाई अंगों का विकास आदि अपनी आयु के अनुसार सामान्य ढंग से चलता रहता है और वह वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है संवेगात्मक रूप से समायोजित होते हैं इमोशनली एडजस्टेड। एक समायोजित व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार काफी संतुलित होता है। वह अपने संवेगों की उचित अभिव्यक्ति को उचित ढंग से सीख लेता है। तीसरा है सेल्फ एवैल्यूएशन, अपनी अच्छाइयों तथा कमजोरियों का ज्ञान। एक समायोजित व्यक्ति यह जानता है कि उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताओं का क्या स्तर है और उनको ध्यान में रखकर वो आगे की ओर बढ़ता है। समायोजित व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना होती है। भलीभांति समायोजित व्यक्ति जो कुछ भी अपने व्यक्तित्व में होता है उसे संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। वह अपने आत्म का सम्मान करते हुए दूसरों को पर्याप्त सम्मान देने का प्रयत्न करता है और किसी भी तरह दूसरों को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाता। सोशली एडजस्टेड।
समायोजित व्यक्ति सामाजिक रूप से भली भांति समायोजित होते हैं, वे अपनी आयु के अनुसार समाज में एक समायोजित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, वे अन्य के साथ खेलने, मित्रता बढ़ाने तथा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में रुचि प्रदर्शित करते हैं और धीरे धीरे वह समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझने लगते हैं। हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इनका महत्वाकांक्षा का स्तर उच्च होता है। जीवन में बहुत कुछ तो सभी पाना चाहते हैं, परंतु समझदारी इसी में होती है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी योग्यताओं, सीमाओं तथा परिस्थितियों के संदर्भ में भी संतुलित करके रखा जाए। एक समायोजित व्यक्ति इस प्रकार का संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है और इसीलिए नावश्यक चिंता, परेशानी और निराशा के शिकार होने से बच जाता है। आलोचक अर्थात क्रिटिकल, एक समायोजित व्यक्ति स्वभाव से दूसरों में उनकी इच्छाओं के ही दर्शन करता है, उनकी बुराइयां तथा दोषों को ढूंढकर उनका प्रचार नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी, समायोजित व्यक्ति का व्यवहार में लचीलापन होता है। जिस तरह का माहौल परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं के अनुसार वह अपने स्वभाव तथा कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता है। फाइटिंग स्पिरिट, हालतों से संघर्ष करने की क्षमता, अनुकूल परिस्थिति में तो सभी जी लेते हैं, संतुष्टि का अनुभव करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में समायोजित व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि वह परिस्थितियों को समझकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है और उसकी उसका संकल्प और इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जो कि उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देती। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन के प्रकार, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। व्यक्ति अपने आप से जितनी समायोजित है, इस बात का निर्णय उसके इस क्षेत्र के समायोजन स्तर से ही ज्ञात होता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में किस स्तर तक समायोजित है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं कितनी सीमा तक पूरी होती हैं, अथवा उनके पूरे होने की संभावना व आशा से वह किस सीमा तक संतुष्ट रहता है। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी रहती हैं या इनकी पूर्ति की आशा उसे रहती है, व्यक्ति समायोजित रहता है, और विपरीत अवस्था में वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। व्यक्ति का जितना अपने आप से संतुष्ट और समायोजित होने की आवश्यकता होती है, उतनी ही अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई बातों तथा व्यक्तियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रहने की होती है। उसे अपने परिवेश तथा उसमें उपलब्ध परिस्थितियों में भी संतुष्ट अनुभव करना चाहिए, तभी वह ठीक तरह से समायोजित रह सकता है। सामाजिक परिवेश का दायरा उसके घर परिवार से शुरू होकर विश्व की सीमाओं तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं प्रोफेशनल एडजस्टमेंट अर्थात व्यवसायिक समायोजन। रोजी रोटी कमाना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी में उसे अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित साधन प्राप्त होते हैं। समायोजन जिस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामाजिक होने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार व्यवसायिक रूप से समायोजित होना भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवसायिक रूप से समायोजित होना जीवन में संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोफेशनल एडजस्टमेंट ना होने से कुसमायोजन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम समझेंगे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात मानसिक द्वंद्व। मानसिक
द्वंद को स्पष्ट करने के लिए क्रो और क्रो के द्वारा एक परिभाषा दी गई. कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज फेस्ड विद फोर्सेस इन हिज एनवायरमेंट दैट एक्ट इन अपोजिशन टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड डिजायर. अर्थात द्वंद या संघर्ष समय हर समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं. मानसिक द्वंद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए फ्रायड ने कहा, इदम अहम और परम अहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद होता है. अब हम देखेंगे कि मानसिक द्वंद के क्या कारण है. व्हाट आर कॉजेज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. पहला कारण है बायोलॉजिकल अर्थात जैविक कारण. इसके अंतर्गत भौतिक तत्व जैसे जैविक इच्छाएं, भोजन की आवश्यकता, कामेच्छा और शारीरिक दशाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जो मानसिक द्वंद अर्थात कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करती हैं. दूसरा है इमोशनल संवेगात्मक कारण. इच्छाओं की तृप्ति या अतृप्ति, अप्रसन्नता, दुख, काम और भावना ग्रंथियां भी मानसिक द्वंद उत्पन्न करती हैं. सोशल कॉजेस सामाजिक कारण. समाज के नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज, नैतिक आदर्श, आचरण के प्रतिमान, धर्म आदि के कारण भी व्यक्ति को मानसिक द्वंद का सामना करना पड़ता है. इकोनॉमिक कॉजेस आर्थिक कारण. आर्थिक परिस्थिति अच्छा न होना भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है. परिणाम स्वरूप मानसिक द्वंद उत्पन्न होता है. अब हम देखेंगे मानसिक द्वंद के दुष्प्रभाव. एबनॉर्मल मेंटल एक्टिविटीज. इसका मानसिक द्वंद के कारण व्यक्ति के सामान्य विकास और पर्यावरण के साथ समायोजन करने में अनेक बाधाएं आती हैं. इसमें सबसे पहले है असामान्य मानसिक क्रियाएं. मानसिक द्वंद की स्थिति में व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं. उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक हो जाती है और प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई का अनुभव होने लगता है. दूसरा है अनयूजुअल इमोशंस. व्यक्ति में प्रसन्नता, दुख, हास, उत्साहहीनता, उदासी आदि बिल्कुल असाधारण रूप में परिलक्षित होने लगते हैं. अनसोशल बिहेवियर असामाजिक व्यवहार. एकांत प्रिय, समाज विमुखता और अंतर्मुखी व्यवहार मानसिक द्वंद के कारण उत्पन्न होते हैं. अपराधी प्रवृत्तियां क्रिमिनल एटीट्यूड. मानसिक द्वंद की दशा में व्यक्ति का मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है. उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता. मानसिक रुग्णता मेंटल इलनेस. मानसिक द्वंद के दुष्प्रभाव से व्यक्ति को अनेक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो जाती हैं और वह तनाव में रहने लगता है. कुंठा व मानसिक द्वंद के दुष्प्रभावों से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है और फिर उसे अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई महसूस होती है. अब हम देखेंगे कि मानसिक द्वंद को सुलझाने एवं तनाव को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं. सर्वप्रथम हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड्स, प्रत्यक्ष उपाय. तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वो हैं जिनमें व्यक्ति चेतनावस्था में अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है, जैसे बाधाओं को नष्ट या दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, अवधान प्राप्ति की युक्ति अर्थात अटेंशन गेटिंग, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय. इनडायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वो हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है. तनाव से उत्पन्न मानसिक पीड़ा तथा दुखद अनुभूतियों से बचने के लिए इन उपायों को सुरक्षा युक्तियां कहा जाता है. ये सुरक्षा युक्तियां अचेतन मन के द्वारा
स्वयं होती रहती हैं, जिनका व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता। ये रक्षात्मक युक्तियां व्यक्ति द्वारा संतोषजनक एडजस्टमेंट प्राप्त करने तथा अपने मानसिक द्वंद को दूर करने का प्रयास है। व्यक्तित्व का समायोजन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। रक्षात्मक युक्तियों द्वारा अंतर्द्वंद से उत्पन्न मानसिक तनाव कम हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शोधन, पलायन, तादात्म्य स्थापित करना, औचित्य स्थापना, दमन, प्रक्षेपण, विपरीत रचना, आश्रित होना मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कंपनसेटरी मेथड्स, क्षतिपूरक विधियां। कंपनसेशन में भी डिफाइंड एज द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेट और ट्रेड्स टू एलिविएट द टेंशन कॉज्ड बाय अ रियल और इमेजिन डिफेक्ट। क्षतिपूर्ति व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से करता है। क्षतिपूर्ति का प्रत्यक्ष ढंग वह है जिसमें व्यक्ति परिश्रम करके उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है जिसमें कि वह कमी का अनुभव करता है। क्षतिपूर्ति का अप्रत्यक्ष ढंग वह है जिसमें एक क्षेत्र में असफलता प्राप्त करने पर किसी दूसरे क्षेत्र में कुशल और प्रवीण होकर सफलता प्राप्त करता है, वह अप्रत्यक्ष ढंग विधि कहलाती है। इस प्रकार उसकी हीनता की भावना जो असफलता के कारण उत्पन्न हुई थी वह दूर हो जाती है और मानसिक तनाव कम हो जाता है। अगला है आक्रामक विधियां अर्थात एग्रेसिव मेथड्स। आक्रामक उपाय से तात्पर्य उस उपाय से है जिसमें व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति बाधा पहुंचाने वाले या असंतोष उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या वस्तु को चोट या हानि पहुंचाकर अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहता है। आक्रामकता भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तनाव और अंतर्द्वंद को कम करने के कई तरीके हैं। जीवन में समायोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ समायोजन व्यक्तित्व को हानि पहुंचाता है। द्वंद की स्थिति अंतर्निहित क्षमताओं का विकास नहीं होने देती है, इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि व्यक्ति का में समायोजन की क्षमता का विकास हो ताकि वह अंतर्द्वंद की स्थितियों से बचा रह सके। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।